लोगों ने मुंह धो लिया है, अब यहाँ से जाना है, थोड़ा और कुछ दिखाना है आप लोगों को, तो चलिए चलते हैं। वेलकम बैक, एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नया वीडियो। गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं घनसौर रोड में बरगी, जो काफ़ी हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट है और घूमने लायक अच्छी जगह है। पहली बार जा रहे हैं तो जर्नी अच्छी होने वाली। भोपाल यहाँ से 359 किलोमीटर पड़ता है, नागपुर 240, सैम्बे मंडी जैसा है अभी है ना, जौलपुर 115, सिवनी लखनऊ रोड, नेशनल हाईवे। ओ गाइस, हम लोग पायली रिसोर्ट 5 किलोमीटर है यहाँ से, और ये सड़क है जहाँ मेरे जा रही है। थोड़ी देर बाद हम पहुँचते हैं, फिर दिखाते हैं वहाँ का आइलैंड कैसा है। आगे है बरगी, जहाँ आना था, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पहुँचने के बाद बहुत हमारी गाड़ी खड़ी है और ये पूरा जंगल है गाइस, चलते हैं। थोड़ा और बचा, इंतजार अब हो गया हमारा ख़त्म चुके हैं। हम जहाँ आना था हमारे, ये लखनादौन बोलना चाहिए, घनसौर जो तहसील है सिवनी की, उस रोड पर पड़ता है। जौलपुर टच हो जाता है क्योंकि यहाँ से बरगी भी जाते हैं। तो गाइस, पहुँच चुके हैं फाइनली, तो दिखाते हैं कैसा है यहाँ का एरिया और कितना खूबसूरत लगता है यहाँ का आइलैंड। चल बहुत ही खूबसूरत है, चल बहुत ही खूबसूरत है पर भाई, है ना। वाकई में कहते हैं प्लान एक बार क्रैश भाव रहे ना, कहाँ ऐसा ही बरगी में हो गए तो पूरा ना डूब गो, आज तक नहीं मिलो, और इतना बड़ो है देख रहा है तरफ भाई, कितनों गजब को जंगल है। बरसात के समय में समझ लेते, पता है ये जंगल ना और भी खूबसूरत लगे है ना, जब पानी गया भरा का हरा हरा और पूरा पानी 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 पानी। अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी है, अब हम लोगों को जाना है वो वाले टापू में जो देख रहे हो, ये पायाली का बरगी बोलना चाहिए, बरगी रिसोर्ट, पूरा बरगी बांध का पानी यहाँ तक भरा हुआ है और यहाँ बोटिंग करते हैं शायद, मछली पकड़ने वाले बोट लगी हुई है। अब हम लोगों को जाना है इस तरफ और बहुत ही प्यारा नज़ारा है गाइस यहाँ का। हम पहुँच चुके हैं जहाँ आना था, जो हमारी मंजिल थी बोलना चाहिए, और काफ़ी किलोमीटर दूर से आए हैं, मंडला से हमने यहाँ तक का सफ़र तय किया, कम से कम 80 किलोमीटर पड़ता है भाई मेरे। और यहाँ आने के बाद ना आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पीछे पूरा जंगल है और इस तरफ मेरे पूरा पानी पानी टापू भी है, और इतनी खूबसूरत जगह आने में किसको कितना अच्छा ना लगेगा। और वैसे गाइस पता, सड़क बन चुकी है, पहले सड़क नहीं थी तो लोग आते नहीं होंगे ये जगह कैसा रहा होगा, लेकिन अब ना पूरी तरह सड़क बन चुकी है। तो हम लोग जाने वाले हैं वो वाले टापू में, दिखा देता हूँ वो है टापू, उस टापू में जा रहे हैं वो भी पैदल। हम लोग ना जा रहे हैं यार, थोड़ा और देख लेते हैं क्योंकि ना बहुत कुछ बाकी है अभी दिखाना और देखने के लिए, काफ़ी बड़ा है गाइस ये जौलपुर का बरगी बोलना चाहिए तो। और नर्मदा जी का जो पानी है ना, काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है क्योंकि ये हमारे सहस्रधारा तक इसका पानी का ना कटाव है बोलना चाहिए तो, वहाँ तक पानी भरा हुआ है। और बहुत सारे ये बोलना चाहिए यहाँ टापू हैं जो बीच बीच में जाने के लिए, घूमने के लिए बहुत ही आकर्षित करते हैं पर्यटन लोगों को, या पर्यटक जो आते हैं ना घूमने के लिए उनको, तो बहुत ही यूनिक तरीके से ये उस ज़माने में बना होगा और जब इसको बनाया गया होगा तो पूरी चारों तरफ देख रहा हूँ जंगल और बीच में पानी। तो चलिए चलते हैं गाइस, और हम लोग बहुत कम टाइम में, मिनिमम बोलना चाहिए डेढ़ घंटे में यहाँ पहुँच चुके थे। 80 किलोमीटर का सफ़र था हमारा जो पहुँच रहे हैं, दिखाते हैं और बाकी बहुत कुछ। और ये हमारे सामने है नर्मदा जी का पानी, कितना साफ पानी और कितना गहरा पानी होगा यहाँ पर, 15 से 20 फीट के लगभग गहराई होगी, देख सकते हो। कल कल किसी आवाज़ आती हुई भाई, ऐसी जगह में आने में ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए ना बहुत मन करता है। यहाँ के जो लोकल लोग होंगे ना, वो लोग नहाते होंगे यहाँ पर आके, और कुछ लोगों का घर ना पहाड़ी ऊपर है। तो गाइस सनी धो रहा है मुँह, हम भी धो लें उसका, देखते हैं ऊपर जा कर के।
ये है एक आइलैंड जहाँ हम आए हुए हैं घूमने के लिए। तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही दूर दूर तक फैला बोलना चाहिए। तो गाइस ये हमको मिल गया है गंडा। अब जाने वाले हम उस साइड, दिखाते हैं कि किस तरह का जंगल है ये पूरा और इस तरह हरा भरा। इस साइड हम लोग पहली बार आए हैं और ये मिला है हमको, तो हम इसी डंडे के सहारे जाने वाले हैं आगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये देखो ये परिंद दौड़ के जाते हुए। तो चलिए उनके पास चलते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। बंद कर लेगा मतलब। गाइस ये पूरा आइलैंड और हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। अभी उस टापू में हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई बोट नहीं है और ना बोटिंग कर पाएंगे। और कुछ वो है एक और आइलैंड, काफी दूर तक फैला हुआ है बोलना चाहिए। बरगी का पानी, ये नर्मदा मैया का पानी पूरा चारों तरफ देख रहे हो कितना गहरा हुआ, कम से कम 15 से 20 फीट की गहराई में फैला हुआ है। और दिखाते हैं आगे, तो जा नहीं सकते क्योंकि बहुत काफी गहरा है यहाँ पे, पहुँचने लायक नहीं बोलना चाहिए। तो